कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे हफ्ते के आखिरी दिन, आज वीकेंड के दिन मेटल बाजार के बारे में जानेंगे। एलएमई और एंसेक्स में कल के दिन बाजारों में किस तरह से कारोबार देखा गया था, क्योंकि आज वीकेंड है, शनिवार है, तो आज विदेशी बाजार बंद रहेंगे, इंटरनेशनल बाजार बंद रहेंगे। एलएमई बंद होने की वजह से हम लोग कल के इवनिंग सेशन के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कल किस तरह से बाजार बंद हुआ, किस तरह से कारोबार देखा गया। साथ ही बात करेंगे दिल्ली मेटल बाजार के बारे में, जानेंगे बेस मेटल में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से उतार चढ़ाव ट्रेंड बाजारों में आज के दिन चल रहा है। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मेटल बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो मेटल बाजार में फ्राइडे के दिन यानी कल के दिन बाजारों में रिकवरी के साथ कारोबार देखा गया है। कॉपर जो कि 650 के करीब ऊपरी स्तर पर बिका था, वो 690 रुपए के करीब बाजारों में कॉपर देखा जा रहा है। बाजारों में बढ़त के साथ कारोबार देखा गया है। लेड की अगर बात करते हैं, बेस मेटल लेड में स्टेबिलिटी देखी गई है, स्थिरता देखी गई है। लेड में जो हमने आपको बताया था गिरावट आएगी बाजारों में, उसके बाद अब बाजारों में लेड में स्थिरता देखी जा रही है, जिसका असर आने वाले समय में आप बैटरी स्प्रे पर देख कर चल सकते हैं। अब बात करते हैं एलएमई और एमसीएस के बारे में, तो कॉपर में एलएमई का लेवल 7,851 रुपए देखा गया, 655.30 रुपए कॉपर की कीमतें एमसीएस में रही। एल्यूमिनियम का लेवल एलएमई में 2,287 रुपए देखा गया, 200.40 रुपए एमसीएस का लेवल एल्यूमिनियम में देखा गया है। लेड के बारे में अगर बात करी जाए, 1,933 रुपए एलएमई की कीमतें लेड में रही, 177.40 रुपए एमसीएस का रेट आप लेड में देख कर चल सकते हैं। जिंक का रेट 3,182 रुपए एलएमई में देखा गया, 285.60 रुपए एमसीएस की कीमतें जिंक में बाजारों में देखी गई हैं। गोल्ड के बारे में बात करते हैं, एमसीएस का लेवल गोल्ड में 50,551 रुपए रहा, सिल्वर की कीमतें 55,015 रुपए देखी गई, क्रूड ऑयल का रेट कॉमेक्स में 86.60 रुपए देखा गया, 6,923 रुपए आप एमसीएस का लेवल क्रूड ऑयल में देख कर चल सकते हैं। अब इसके बाद अगर दिल्ली मेटल बाजार के बारे में बात करते हैं, तो कॉपर में जैसा कि हमने आपको बताया बाजारों में तेजी के साथ बढ़त के साथ कारोबार देखा गया है। कॉपर में 690 के करीब का लेवल देखा जा रहा है। कॉपर सुपर एचडी का रेट दिल्ली मेटल बाजार में 721 रुपए है। कॉपर केबल स्प्रे की कीमतें 693 रुपए है। कॉपर आर्मेचर का रेट 682 रुपए। एल्युमिनियम बर्तन कीमतें 178 रुपए। एल्युमिनियम वायर स्प्रे का रेट 202 रुपए देखा गया है। एल्युमिनियम पुर्जे कीमतें 152 रुपए है। जिंक के बारे में अगर बात करी जाए, 297 रुपए। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। 97 रुपए जिंक का लेवल है। लेड में स्टेबिलिटी है, लेड में स्थिरता है। 176 रुपए लेड की कीमतें आप देख कर चल सकते हैं, और एलआईबीटी कीमतें बाजारों में 183 रुपए देखी गई है। लेड को देखते हुए आने वाले समय में आपको बैटरी स्क्रेप में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। इस वक्त बैटरी स्क्रेप का रेट 92/110 रुपए चल रहा है। निकल की कीमतें 1860 रुपए है। ट्रिनागे का रेट 1920 रुपए देखा गया है। ब्रास की कीमतें 472 रुपए है। एसएस बर्तन स्क्रेप का रेट आप 70 रुपए देख कर चल सकते हैं। कल के दिन गणेश विसर्जन की वजह से जो मुंबई की मार्केट है, महाराष्ट्र की मार्केट है, वो ज्यादातर मेटल बाजार बंद रहे हैं। इसके बाद अब बात हम करते हैं ट्रेडिंग रेंज के बारे में, तो कॉपर में ऊपरी स्तर पर एक अच्छा सपोर्ट का लेवल आप 680 रुपए देख कर चल सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल 692 रुपए है। लेड में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 174 रुपए है। रेजिस्टेंस लेवल 176 रुपए है। जिंक में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 292 रुपए है। रेजिस्टेंस लेवल 302 रुपए देखा गया है। निकल में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 1830 रुपए है। रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करी जाए, 1880 रुपए बाजारों में रहा है। तो बाजारों में बढ़त के साथ कल के दिन कारोबार देखा गया है। बेस मेटल जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, इसमें बढ़त आई है। लेड में स्टेबिलिटी देखी जा रही है। आने वाले समय में लेड में आपको भी तेजी देखने को मिलेगी। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आप गिरावट पर जरूरत के हिसाब से मेटल बेस मेटल में खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन इसमें हम आपको ऊपरी स्तर पर सतर्क रहने की जरूर सलाह देंगे, क्योंकि ऊपरी स्तर पर अगर आपको कहीं अच्छा लेवल मिलता है, अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो उस जगह से आप अपना प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए उसको तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।